देखते रहिए यूपीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मध्य विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद द्वारा आज मध्य विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद एवं मंत्री पीसी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, आज देश नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मोदी सरकार में देश का संविधान खतरे में है। देखते रहिए यूबीएन जीरो एट, ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आंधी तूफान आ रहा था तो मैं वो मंजर भी देख रहा था, आप लोग भी देख रहे हैं। महिलाएं बैठी है तो आप लोगों की तरफ से शुरुआत करता हूँ कि ये वो इलाका दादा भाई जब पूरे हिंदुस्तान में तलाक को लेकर बवाला किया केंद्र सरकार ने, तो हिंदुस्तान में मोदी जी को मध्य प्रदेश से, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जो तीन तलाक का जवाब मिला वो इसी जगह से मिला, तालाब को लेकर भोपाल में हमारे इंसराज ने साहब की कायदा से यही से जवाब दिया गया। और आज फिर आप लोग जिस ताकत से यहाँ उस आंधी तूफान में डटी रही, तो मैं इस बात को आपको सलाम करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि 30 साल बाद ये लोकसभा कांग्रेस की होगी, हाथ के पंजे की होगी, हर हाल में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अडवाणी जी को रिटायर कर दिया, पुलिस मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को भी रिटायर कर दिया, बाबूलाल गौर जी को रिटायर कर दिया और अमित शाह और मोदी आज पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं और भाजपा पे कब्जा करना चाहते हैं। जो भी नुमाइंदा आएगा भाजपा का हमें चुनौती स्वीकार है, आप सब साथ में हैं तो डर पाएगा। मैं आज इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, भाई आरिफ मसूद को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। मुझसे पूछ रहे थे आरिफ मसूद साहब कि आप किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा सीट पर, मैंने कहा बेटा आपको बात चलाएंगे, जो तुम्हारे हैं वो हमारे हैं, इसलिए पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी आगे मजबूत साहब की है और मुझे ठीक है कि हम यहाँ कामयाब।